नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आरपीएससी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी है उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिये, जो सबसे पहले आपके टॉपिक्स है वो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरीके की जो रिएक्शन है वो हर बार पूछ जाती है। तो उनको अपन वन बाय वन करके एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले आपका आता है वो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन किस तरीके से होती है। गैल्वेनिक सेल रिएक्शन में आपका एक एनोड का आयन होता है, एक कैथोड होता है। यानी एक एनोड होते हैं उसपे आपका नेगेटिव आयन होता है, जो कैथोड होता है उसपे आपका पॉजिटिव आयन होता है। दोस्तों ध्यान से समझना है आपको वीडियो को, अच्छा एक एक चीज को देखना है ताकि आपका पेपर में अच्छे से आप करके आए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आने वाला 2022 से आपके लिए एक सफलता की राह लेके आएगा। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, वीडियो में चैनल पे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस है अवेलेबल करवाता रहूंगा। वीडियो को देखते रहिए, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एनोड है उस पर नेगेटिव आयन आता है, कैथोड पे आपका पॉजिटिव आयन आता है। एनोड के अंदर क्या होता है, आपका जिंक सल्फेट का विलयन होता है, कैथोड के अंदर आपका कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाता है। तो जो कॉपर सल्फेट है वो क्या करता है, आपका ऑक्सीडेशन करता है, जिंक सल्फेट है वो रिडक्शन करता है। जो कॉपर सल्फेट के साथ में जो आयन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक होते हैं, आयन ब्रेक्स होते हैं। जैसे कि जिंक आयन ले लीजिए, जिंक आयन क्या करता है, ब्रेक करता है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन के साथ में ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आयन मिलते हैं, जैसे कि Cu, यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट है तो Cu प्लस टू आयन, ये पॉजिटिव में था तो ये मिलके एक पूरा कंप्लीट आपका Cu बनाता है, Cu आयन। तो ये होता है आपका रिडक्शन। तो इस तरीके से जो रिडक्शन होती है वो आपकी होती है गैल्वेनिक सेल में। जो एनोड है उसपे क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि जो आपका एनोड है उसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड में कौन सा विलयन भरा जाता है, जिंक सल्फेट, कैथोड पे कॉपर सल्फेट। इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच रखा होता है, उस स्विच के अंदर ऑन ऑफ का होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जो एक सर्किट के रूप में पूरी कार्य करती है। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो के लिए यूट्यूब पे बनी रहिए, यूट्यूब के साथ चलिए। लाइव क्लासों वो भी आपकी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, और इसी वीक से शुरू कर रहे हैं आपके कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आने वाला 2022 आपके लिए एक नई शुरुआत, नई खुशखबरी, नई चीज लेके आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।